शांति मिलूगी कि मैं कहना कि जन्नत ही तेनू दिख जानी है कि जे तू ये पाप नू करूंगा ना मतलब कि तेरिया सारिया चिंतावान सारिया तेरिया टेंशन दूर हो जानिया। पहला पहला तो मैं इग्नोर किया फिर मैं ओदी गल मान ली कि मैं क्या चल ठीक है मैं करके देखता। जैसे कि बाइबल हमें पाप से सावधान होने के लिए कहती है क्योंकि बाइबल में लिखा है कि जो कोई पाप करता है वह उसका दास बन जाता है क्योंकि पाप उस पर प्रभुता करने लगता है। इसी तरह से इस भाई के जीवन में भी कुछ ऐसी घटनाएं घटी और लोगों ने इसे पाप करने के लिए मजबूर किया। इसके साथियों ने इसे पाप करने के लिए मजबूर किया और सारी सारी रात ये भाई ब्लू फिल्म्स देखते थे और अपने शरीर के साथ एक दिन में 15 बार गलत काम करते थे और पाप की प्रभुता इन पर काफ़ी भारी हो चुकी थी। और जब यह भाई खमरा चर्च में आए और वाइट कार्ड बनवाकर परमेश्वर के दास अपोस्तल अंकुर यूसुफ टोला जी से लेहेंट करवाया तो परमेश्वर के आत्मा ने इन्हें छुआ और इस पाप की गंदी स्पिरिट से आज़ाद किया। आइए हम इस गवाही को सुनते हैं और परमेश्वर की महिमा करते हैं। मेरा नाम अरुण कुमार है। कहाँ से आए आप? मैं करतारपुर हसन मुंडा से आया हूँ। आपकी गवाही की जब 11 साल की उम्र में स्कूल के टाइम से आप पूरी तरह व्यभिचार में चले गए थे, लाइफ पूरी तरह से पाप में थी। हाँ जी। तो खुलकर अपनी गवाही को बताएंगे, क्या गवाही आपकी? मेरी गवाही इदा है कि जदों मैं बचपन दे विच सेकंड क्लास दे विच पढ़दा सगा तो मेरी लाइफ दे विच एक मुंडा आया सगा ते ओ इटली तो आया सगा ते ओ इदा दा मतलब कि पाप करदा सगा जिहड़ा अपने शरीर दे नाल गलत हुंदा आ ते उन्हें उस पाप दे विच मैनू भी पा दिता। कहिंदा कि जे तू अपने शरीर दे नाल गलत करें तो कहिंदा तैनू बहुत मजा आऊगा ते तैनू बहुत शांति मिलूगी कि मैं कहिंदा कि जन्नत ही तेनू दिख जानी है कि जे तू ये पाप नू करूंगा ना मतलब कि तेरिया सारिया चिंतावान सारिया तेरिया टेंशन दूर हो जानिया। पहला पहला तो मैं उन्होंने इग्नोर किया फिर मैं ओदी गल मान ली कि मैं क्या चल ठीक है मैं करके देखता हाँ। वे मैं जो फस्ट टाइम इस पाप नू किया मैं एकदम बेहोश हो गया। मेरे स्कूल के टीचर्स मैनू देखने लिए आए कि मुंडा का तो बेहोश हो गया खरा उन्होंने चक्कर खा के डिग पे पर यह मैनू पता कि मैं पाप किया सगा पर जो मैं उस पाप का टेस्ट किया हौली हौली वह पाप मेरी जिंदगी में वाधा गया। मैं इतों तक कि मैं स्कूल के पीरियड मिस करके 15-15 बार पाप कर जाता सगा दिन के लाइफ आपकी पूरी तरह व्यभिचार में थी। हाँ आप फोन का गलत यूज करते थे। हाँ जी। मतलब पूरी पूरी रात आप फोन का यूज करते थे। हाँ जी। मतलब आपने कभी छोड़ने की कोशिश की इन चीजों से? मैं बहुत कोशिश की थी कि मतलब कि ब्रदर जी मैं तुम्हें दसना चाहना कि जो बंदा इस चीज नू फेस करता है ना ये उन्हें ही पता कि उसकी लाइफ दे विच की हो रहा है। मतलब कि मैं इन्ना का मतलब कि इस पाप दे विच डिग चुका सी अपने आप नू मतलब कि ना इन्ना क इस पाप दे विच मैं खुब चुका सी मैं इस पाप दे विच निकलना चाहता सी पर मैनू ना किसी दे विश्वास नहीं सी। मैं इन्ने जगामां दे भी जांदा सीगा पर मैनू ना चीजा तो आराम नहीं सी आ रहा। मैं चाहता सी कि मैनू कोई इस चीज तो आजाद करा दे। आप डर के आपकी लाइफ इतनी ज्यादा गंभीर हो चुकी थी कि स्टडी में कोई फोकस नहीं था। हाँ जी। लाइफ के एम में कोई फोकस नहीं था। हाँ जी। और बताएं कि जब ऐसी लाइफ थी पूरी तरह पाप में थी तो मन में कैसे कैसे ख्याल आते थे? आप डिप्रेशन में भी गए, कई बार आपने घर से भागने की कोशिश भी की। हाँ जी ब्रदर जी मैं घरों भी भजन की कोशिश की थी। मैं तुम्हें दसना चाहना मैं जो ब्लू मूवीज देखता सगा ना तो मैं अपने शरीर ना गलत कर काम करता सगा तो जो मेरे घरदियां नू पता लगा कि यह ब्लू मूवीज देखता आ तो उन्होंने मैनू ना मतलब कि आपकी लाइफ पूरी तरह पाप में थी। हाँ। मतलब आपने कोशिश की खुद भी छोड़ने की लेकिन कोई उम्मीद नहीं थी कि आप ऐसी लाइफ से कभी बाहर आ पाएंगे कि नहीं। हाँ जी। तो आप बताएं फिर आपकी लाइफ को परमेश्वर ने चेंज कैसे किया? परमेश्वर ने मेरी लाइफ ने चेंज किया। मैनू रिश्तेदारों तो चर्च बारे पता लगा कि मतलब कि प्रभु यीशु मसीह मतलब कि लोगों नू पापा तो आजाद करते आ बीमारियों तो आजाद करते आ ते मैं पहला पहला समझता सी मैनू जीसस बारे तो पता सगा पर मैं समझता सी कि जिहड़ा प्रभु यीशु मसीह आ ना वह गोरियां दा परमेश्वर आ क्योंकि उस टाइम मैं ये समझता सी कि गले विच क्रॉस पाउण दे नाल ते हाथ विच बाइबल फड़न दे नाल ओ बंदा क्रिश्चन बनता असी क्रिश्चन नहीं आ प्रभु यीशु मसीह साडे लई नहीं आया। पर उन्होंने मैंने कहा कि भरा तू गलत सोचता पाया प्रभु यीशु मसीह साडे वर्गे लोगों के लिए आया पापियों के लिए आया क्योंकि बाइबल में लिखा उसने जगत के मूर्खों ने चुन लिया पापियों ने चुन लिया कि वह ज्ञानवानों लज्जित कर सके। परमेश्वर ने मेरे जहे पापी चुनिया और ठहराया ताकि मैं उसकी महिमा कर सका। मैं तुम्हें दसना चाहता हाँ कि अज जो भरा भैन व्यभिचार के पाप के नशे के मेरे वीरों अज इस पाप को छोड़ो
इस नशे नु त्यागो। तो उसके बाद आप लगातार चर्च आते रहे परमेश्वर के दास के द्वारा वचनों को सुनते रहे। तो भाई बता रहे फिर 21 मार्च 2021 को मीटिंग में वाइट कार्ड बनाकर इस भाई ने लेहन प्रार्थना करवाई थी, तो हम पहले उस लेहन प्रार्थना को देखते हैं। तो आप बताएं ब्रदर, हमने जैसे देखा कि परमेश्वर के दास आपके ऊपर लेहन प्रार्थना करे थे, आप बताएं कि जैसे परमेश्वर के दास का हाथ आपके ऊपर आया उसके बाद की लाइफ बताएं कि कैसे परमेश्वर आपकी लाइफ को परिवर्तित किया। ब्रदर जी जो तो मेरे ते ले हैंड होया, पापा जी द्वारा ले हैंड होया, मैनू इदा लगा कि मेरे अंदरों कोई चीज मैनु छट के गई आ, ते मैं पूरी तरह आजाद हाँ। मैं जो पापा जी ने मेरे ते ले हैंड किया मैं डिग गया, एकदम अग दे नाल भर गया, ते जो मैं उठा एकदम पूरी तरह उस चीज तो उस स्पिरिट तो उस व्यभिचार की आत्मा तो आजाद सी। हालेलुया, गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। ऊंचे बारे बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो आप बताएं बेटा कितना टाइम हो चुका पूरी तरह से आजाद है परमेश्वर? ब्रदर जी मैं 4 साल तो इस स्पिरिट तो इस गंदे व्यभिचार तो आजाद हैं। आप बपतिस्मा ले चुके हैं? हाँ जी। अपना जीवन यीशु मसीह को दे चुके हैं? हाँ जी। तारीफ करें सब जन इस लाइफ चेंजिंग टेस्टमनी के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें कि कैसे परमेश्वर का जीवित आत्मा मनों को बदलने वाला परमेश्वर, वो आपके पाप को छुड़ाने वाला परमेश्वर है। तारीफ करें के लिए, गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें सब जन। आइए हम नेक्स्ट टेस्टमनी को सुनें। जैसे कि आपने इस गवाही को सुना कि किस रीति से परमेश्वर ने सिपाही के जीवन में काम किया और पाप की व्यभिचार की दुष्ट आत्मा से इसे फ्री किया, जब परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ नलजी के द्वारा इन पर लेहेंड के करके प्रार्थना की गई और परमेश्वर के आत्मा ने इन्हें छुआ और ये गवाही के साथ खामरा चर्च में आए। उसी तरह से हमारा विश्वास है कि जब आपने इस गवाही को सुना तो परमेश्वर का आत्मा आपको छुएगा और ब्लेस करेगा और आप भी गवाही के साथ वापस आएंगे और आपकी ज़िंदगी सेम नहीं रहेगी। परमेश्वर आपको भी पाप की दुष्ट आत्मा से व्यभिचार से छुटकारा देगा और आपको शांति देगा। और यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे YouTube चैनल होली गोस्ट पावर्स को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन सेट करें। सबको जय मसीह की। God bless you all. परमेश्वर आपको आशीषित करें।